Hey guys, welcome back to my channel, fashion lover Tanushri, and I hope you all are doing great. And today I'm going to share with you this makeup look, which is a very simple yet gorgeous get ready with me look. इस लुक को मैंने क्रिएट किया है एक बर्थडे पार्टी के लिए. आप लोग कोई भी पार्टी के लिए इसको ट्राई कर सकते हो. तो अगर आपको जानना है ये लुक आपको कैसे अचीव करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना. तो सबसे पहले मैं अपनी फेस को क्लीन कर रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पे आयुर का क्लींजिंग मिल्क लिया है. मैंने एक कटर में इसको थोड़ा सा ले लिया है. उसके बाद अपनी पूरी फेस को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी. आप लोग देख सकते हो क्योंकि मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है. तो मैं अपनी फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी जैसा कि आप लोग देख रहे हो. और गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे IGTV पे भी मैं काफ़ी सारे वीडियो बना रही हूँ. तो आई होप आपको अच्छा लगे. देन मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा DIY मॉइस्चराइज़र. इसको आपको कैसे बनाना है इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है. तो उसका लिंक मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो आप लोग चेक कर सकते हो. तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से मसाज कर लूँगी अपनी फेस को ताकि मेरा फेस बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और हाइड्रेटेड हो जाए. सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का 925cc क्रीम जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कवरेज और इसका फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो मैं इसको डॉट्स डॉट्स करके अप्लाई कर लूँगी अपनी पूरे फेस पे. और मैं यहाँ पे फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी. आप लोग देख सकते हो. आप लोग चाहे तो कंसीलर को इसके बाद अप्लाई कर सकते हो बट मैं यहाँ पे कंसीलर को भी स्किप कर रही हूँ. आप लोग देख सकते हो मैंने आईज़ के ऊपर भी सेम सीसी क्रीम को अप्लाई कर लिया है. अपनी फेस नेक और अंडर आईज़ पे और आईलिड्स पे भी आप लोग देख सकते हो मैंने सेम सीसी क्रीम को अप्लाई कर लिया है. इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवरेज मिल जाता है और मेरा उतना ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो मैंने कंसीलर को स्किप कर लिया. बट अगर आपको किसी जगह को थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो आप लोग कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं इसके बाद. तो मैंने ब्लेंड कर लिया है आप लोग देख सकते हैं और हैंड की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं. देन मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का कॉम्पैक्ट फाउंडेशन पाउडर यानी कि कॉम्पैक्ट पाउडर. और ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. आप लोग देख सकते हो मैं यूजुअली इसको ही अप्लाई करती हूँ. तो मैं अपनी फेस को सेट करने के लिए इस पाउडर को अप्लाई करूँगी और अच्छे तरीके से अपनी फेस नेक को और आईज़ की पास की एरिया को अच्छे से मैं पाउडर से सेट कर लूँगी जैसा कि आप लोग देख रहे हो. इसके बाद मैं यूज़ करूँ शील्स का हाईलाइटर पैलेट एज अ आई शेडो. मैं इसे यूज़ करूँगी इस वक्त और आप लोग देख सकते हैं इस कलर को मैंने लिया है और अपनी आई लीड और क्रीज लाइन पे इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक आई शेडो ब्रश की हेल्प से जैसे कि आप लोग देख रहे हो. ये बहुत ही अच्छा सा एक सटल सा कलर देता है. आपकी आई लीड को काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर देता है. एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं करना है क्योंकि बर्थडे पार्टी के लिए मैं जा रही हूँ. बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको अप्लाई करूँ. आप लोग इसकी जगह पे अपनी ओकेशन के अकॉर्डिंग कोई आई शेडो यूज़ कर सकते हो. इसके बाद मैं आईब्रोज़ को सेट करूँगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे म्यूज़िक फ्लावर का डार्क ब्राउन कलर का जेल आईलाइनर को लिया है. आप लोग देख सकते हो उसी के साथ ये ब्रश आता है और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को धीरे धीरे फिल कर लूँगी. बहुत ही अच्छा इसका कलर है. आईब्रोज़ के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है. एंड एट द सेम टाइम ये स्मार्ट प्रूफ वाटर प्रूफ भी है तो बहुत देर तक आपकी आईब्रोज़ को सेट भी रखता है. तो काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है. इनफैक्ट आईलाइनर के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो मैं इसको यहाँ पे आईब्रो को फिल करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ.
इसके बाद मैं बेवस का पर्पलिश ब्लू कलर का आईलाइनर को यूज़ कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा थिक आईलाइनर थिक और थिन के बीच में थोड़ा सा मीडियम थिक आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे कोई भी विंग ड्रॉ नहीं किया है, विंग ड्रॉ नहीं करूँगी। और ये भी अगेन बहुत ही अच्छा एक आईलाइनर है, स्मार्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है और बहुत ही प्यारा सा कलर है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने आईलाइनर दोनों आँखों में ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद सेम हाइलाइटर पैलेट को मैं ले रही हूँ और आप लोग देख सकते जो कलर, इस कलर को मैं ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से, उसको मैं अपनी लोअर आईलिड्स पे वाटर लाइन के पास मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एज अ काजल। थोड़ा सा हाईलाइट भी हो रहा है, जो इनर आई कॉर्नर है वो थोड़ा हाईलाइट भी हो जा रहा है। और एट द सेम टाइम मैं कोई काजल यूज़ नहीं करूँगी, तो इसको ही मैं एज अ काजल की तरह यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। इसे हाईलाइटिव इफेक्ट भी होता है और काजल का काम भी, काजल का काम तो नहीं होता है बट बहुत ही आपकी जो आँखें हैं ना उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। तो गाइज आप मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा और मैं कोई फॉल्सेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मस्कारा के मैं दो कोट लगा लूँगी। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपने सर पे बालों में क्या लगाया है, तो ये कर्लिंग रॉड्स है और मैंने अपने बालों को कर्ल करने के लिए इसको यूज़ किया है और इसका वीडियो में मैंने शूट कर चुकी हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की और मैं यहाँ पे एडीएस का बाम लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड, जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टोमेटो रेड कलर। बहुत ही ब्राइट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कलर है, मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आई गेस इस लुक के साथ काफ़ी अच्छे से ये जा रहा था, तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और मेरा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक और आप लोग देख सकते हो मैंने रॉड्स को निकाल दिया है और मेरी बाल काफ़ी अच्छे से कर्ल हो चुका है और मैंने यहाँ पे एक हूप इयररिंग कैरी किया है एंड आई एम जस्ट रेडी टू गो फॉर द पार्टी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन।